तो हेलो गाइस किस वाले वीडियो में हम के एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हो और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर के जरूर से देख लेना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो तो चले भी न कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था जब साउय और फर्स्टर हेवनली फिल्म के बारे में बात कर रहे थे तो वही डबल बैटिक सिलने दरवाजे के बाहर जासूस बनकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे और जब फर्स्ट लोलर सु कैन को बर्निंग फिल्म बेली के नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फिल्म के बारे में बता रहे थे तो दरवाजे के बाहर सिलना ये सुनकर दरवाजे के बाहर से ही कह रही थी की माना की नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फिल्म है फिल्म है लेकिन सां से

और से देखता है तो वो सौजन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये तुम हो क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पैन ग्रुप के वही लड़की सिंहन थी जो कि थोड़ी देर पहले टायर लेवल मेडिसिन फोर बना रही थी जिसकी सौजन के साथ थोड़ी देर पहले बहस भी हुई थी और अब इसके साथ ही लड़की से थोड़ा गुस्से में पूछता है की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम हम पर नजर भी क्यों रख रही हो और इधर दूसरी तरफ फर्स्ट सुन भी उस लड़की सिंगलैन पर गुस्सा करते हुए कहते है की तुम छोटी लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये क्या हरकत थी तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो तुम्हें नहीं पता ये जगह इनर अकेम के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है और तुम यहाँ

साल आई थी और इसके ग्रैंड ने मुझे कहा था की इसको ट्रेन करू और इसको ग्रो करूँ अब इस पर सौजन उस लड़की की गर्दन कर उसे कहता है की तुम इतनी देर से हम दोनों पर नजर रख रही थी और हमारी बात सुन रही थी और जरूर तुमने कुछ पी रहे थे सवजन की ये बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सविन की इतनी ज्यादा सारपाई को देखकर वो सवजन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी और फिर इसके साथ ही वो लड़की सवजन से कहती है कि मैं आप दोनों पर नजर किसी मकसद से ही रखी थी और हाँ ब्रदर साहब आपका प्लान है की आप नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को हासिल कर लेंगे तो मैं आपको बता दू

रही है तो ये जरूरी ठीक होगा क्योंकि मुझे बर्निंग फिल्म बेली के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता और वैसे भी उनकी सारी मेथड बहुत ही होती है अब सोन फर्स्ट सुकेन के मुंह से भी ये बात सुनता है तो वो और वह कहता है की क्या मुझे इतनी मुश्किलों से जोटेड इन्फॉर्मेशन मिला था वो एंड ऐसे हीसानी थी क्या अब इसके साथ ही फर्स्ट सुकैन सल बता है की सेंट्रल प्लेन से आई है और बर्निंग फिल्म बेली भी वही पर मौजूद है इसलिए इस लड़की सिनलैन को बर्निंग फिल्म बेली के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है और मुझे पता है की ये लड़की अभी के लिए झूठ नहीं बोल रही अब हॉस्टलर फर्स्टलर सुक को साउन का सारा बैकग्राउंड बता देता है अब ये सुनकर हैरान होकर कहता है की क्या सच में ये लड़की सेंट्रल प्लेन से आई है जानता था सेंट्रल प्लेन वो जगह है जो की मेट में है जहाँ पर बहुत ज्यादा टॉप रैंक के एक्सपर्ट होते हैं जिनको न सौजन ने कभी देखा और न उनके बारे में कभी सुना अब इसके साथ ही फर्स्टर सुक एंड को बताते है की वही सेंट्रल प्लेन है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीके एक्सपर्ट हुआ करते हैं और वहाँ से तुम्हें सौजन कब को तुम्हारे उस लिटिल फ्रेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में

से कहती है कि क्या तुम सच में किसी फिल्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि नहीं जिस पर सवियन हाँ में सर हिला देता है और इसके साथ ही वो लड़की कहती है कि तो फिर तुम्हें इस नाइन ड्रैगन फिल्म को होगा जो क्यूँकी बर्निंग बेली के पास फिल्म कई सालों से है और उन्होंने उस फिल्म को इस तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है की अगर तुम्हें वो हवेनली फिल्म मिल भी गई साउय तो तब भी तुम उस हेवेली फिल्म को यूज नहीं कर पाओगे अब ये सुनकर से पूछता है की क्या तुम्हारे पास कोई मेथड है इस प्रॉब्लम को हल करने का जिस पर सिनलैन कहती है की नहीं मेरे पास कोई भी इस प्रॉब्लम का हल नहीं है मगर मेरे पास एक दूसरी हेवेनली फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि इस नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फिल्म से भी हायर रैंक की फिल्म है और फिल्म को लेने की चांसेस इस नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फिल्म को लेने से ज्यादा है अब ये सुनकर सौजन जो की कुर्सी पर बड़े आराम से बैठा हुआ था वो सीधा होकर बैठ ज्यादा है और अभी के लिए सौजन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो गया था और वो सिन से पूछता है की ये कौन हेवेनली फिल्म है और जब सिनैन साउजन की ये एक्शन को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है मगर इसके साथ ही सलैन से कहता है की तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा अगर मेरे पास वो एबिलिटी हुई तो मगर तुम जल्दी से मुझे वो सेवनली फिल्म इन्फॉर्मेशन दे दू। जो सुनकर को कहती है की मेरे लिए पॉसिबल नहीं है की मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दू मगर इससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि की क्या तुम टायर लेवल के हो जिस पर सवन अपना में ला देते सर हा में हिलाते हुए की आंखों में एक उम्मीद की किरण आ जाती है और फिर इसके साथ ही वो सवजन से कहती है कि मैं तुम्हें दूसरी फिल्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूंगी मगर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा जो सुनकर सवजन थोड़ा झिझकते हुए कहता है की ठीक है तुम्हें क्या चाहिए जिस पर सिनलैन कहती है की तुम्हें मेरी की हेल्प करनी होगी पील टावर में फिर से एल्डर सीट को हासिल करने के लिए अब सौजन पील टावर का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, है क्यूँकी वो भी जानता है कीउकी कॉन्टिनेंट में आखिर क्या वाला है क्यूँकी वहाँ पर डाउकी कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉग एल की मिस पाए जाते हैं और तो और उस पील टावर में एल्डर सीट को हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड टेस्ट को देना पड़ता है अब इसके साथ ही फर्स्ट सुन सिलेन की ये बात को सुनकर सिलेन से कहता है की सिल्लैन तुम बेवकूफ ना बनो तुम्हारे लिए ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है मगर तुम्हारे क्लैन को पील टावर में फिर से एल्डर सीट को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तो और सौजन टायर लेवल तो है लेकिन अभी के लिए सौजन का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है और इसके लिए ये है तुम्हारे क्लैन को फिर से पील टावर में एल्डर सीट को हासिल करवाने के लिए क्या तुम्हें खुद नहीं पता पील टावर में एल्डर सीट को हासिल करने के लिए कितने पाफटर मिलने पड़ते हैं इवन के टायर लेवल सेवन के एल्मिस्ट को भी पील टावर में एल्डर सीट को हासिल करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं की ये बातें सुनकर सिलेन पर बाज नहीं आती और वो डायरेक्टली फर्स्ट सुटैन से कहती है की माना की अभी के लिए पील टावर में मेरे क्लैन के लिए एल्डर सीट को वापस ऐसी हासिल नहीं कर पाएगा मगर देखो तो इस लड़के की टैलेंट इतनी सी एज में टायर लेवल सिक्स का एल्किट बन गया है और इवन की ये टैलेंट पील टावर में भी देखने को नहीं

पर बंदा चला तो जाता है लेकिन वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और जब सिन लैन को बहुत देर से साइलेंट देखती है तो, तो फिर वो गुस्से में खुद को कोसते हुए वहां से मुड़कर लगती है और जब सिन जाने के लिए मुड़ी ही थी मगर तब भी सावजन जो की थोड़ी देर के लिए चुप था वो कहता है की मुझे नहीं पता की तुम्हारे क्लैन को में एल्डर सीट को फिर से हासिल करवाना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा और ना ही मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ की तुम्हारा क्लाइन फिर से पीलावर्ड में एल्डर सीट को हासिल कर लेगा लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ की जब तुम मुझे फिल्म से रिलेटेड कोई अच्छा सा कबू दे भी तो मैं अपनी पूरी कोशिश तुम्हारे क्लैन के लिए पील्टाउट फिर से एल्डर को हासिल करने के लिए अब सौजन की ये बात को सुनकर सिनैन की बॉडी पूरी तरीके से काफ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है अभी के लिए उसे यकीन थी की कि उसके क्लैन को एक बार फिर से पिल्टाउट में एल्डर मिल जाएगी अब सौजन सिल को इतना खुश देखकर एक स्माइल के साथ कहता है की अब तुम्हारी बारी है मुझे हेवनली फिल्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की और अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हेवनली फिल्म के रिलेटेड मेरे लिए फायदेमंद हुई तो मैं फिर तुम्हें यह रिवार्ड देने के लिए तैयार हूँ अब सौजन की मुंह से ये बात को सुनकर सिनैन एक लंबा सांस लेकर

फिल्म जमीन पर नहीं बनती बल्कि ये दूर सितारों में बनती है और एंसेंट बुक्स में लिखा गया था कि इस तरह की सिल्वर फिल्म स्पेस में से जमीन पर गिरती है तो, तो उस ग्राउंड में हजार किलोमीटर तक सब कुछ डलकर राख में बदल जाता है और फिर चंद दिनों तक वहाँ पर ना तो तारे चमकते है और न ही चांद निकलते है और ना ही सूरज और जैसा की ये थ्री बर्निंग फिल्म स्पेस में सितारों में पाई जाती है तो इसे वेलनी फिल्म को हासिल करना किसी भी आम बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वैसे भी ये वेल्ली फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये किसी के भी हथे इतनी आसानी से नहीं आती और किसी भी बंदे के लिए इसको पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जाता है और दावकी कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे पर्टे जो की उस बंदे से लड़े थे जिसके पास कभी थ्री थाउजेंड बर्निंग थी और वो लोग उस बंदे को ऑन डेड बॉडी थे वो बंदा इतनी आसानी से मरता ही नहीं जिसके पास ये थ्री हो और जिस तरह से मैजिकल बीस्ट रेस में से कॉकरोच बीस्ट होते हैं जो की बावजूद भी खुद को बचा लेते हैं मरने से वैसे ही वो बंदा होता है जिसके पास थ्री थाउजेंड बर्निंग फ्लेम आ जाए तो उसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये थ्री थाउजेंड बर्निंग फ्लेम को भी मिनटों में हील कर देती है और चाहे वो अटैक कितने भी खतरनाक क्यों ना हो और इंजरी भी कितने भी ज्यादा खतरनाक हो वो बंदा जिसके पास बर्निंग फ्लेम हो वो बंदा से नहीं मरता और वैसे भी, भी न मरे तो चाहे उसके भी उस बंदे ही कर दे। लेकिन उसके अपोनेट को दिन दींदी नहीं आएगी क्यूँकी उससे हमेशा उस बंदे ऐसी डर लगेगा क्योंकि उससे पता हुआ की उसके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला इसलिएगा मगर इस फ्लेम को लेने का

को ये थ्री थाउजेंड बर्निंग फिल्म अच्छी लगी जो की नाइन्थ नंबर पर आती है इस पर ब्रदर साहब आप क्या कहना चाहेंगे जिसके साथ ही कहता है की कोई भी इंसान इस बर्निंग फिल्म के बारे में सुनकर इसमें इंटेस्ट तो जरूरी होगा मगर बाप जो भी हो यह थ्री थाउजेंड बर्निंग फ्लेंग फ्लेंग पील टावर में है और इस रेयर हवन फिल्म को प्रोटेक्ट तो जरूरी कर रहे होंगे और वैसे भी हमारे लिए उस हेवेली फिल्म को लेना कहने से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इधर फर्स्ट सु कैन की ये बात को सुनकर हमेशा हिलाते हैं और वो कहते हैं की ये पील टावर वाकई में ही जानी मानी फैसन है जो की इवेंट के इस ने इस तरह की रेयर रैंकिंग में फिल्म को पील टावर में दबाकर रखा हुआ है और सावजन तुम ठीक कह रहे हो कि इस होली फिल्म को पील टावर के हाथों से लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अगर की नाम सुनकर थोड़ा बहुत घबरा जाया करते थे और जबकि वक्त तुम्हारे मास्टर यालो को पील टावर से इन्विटेशन आया था उसको तुम्हारे टीचर ने एक्सेप्ट नहीं था मगर उसे बाद में डर भी लग रहा था की उसने पील टावर की रिजेक्ट कर दिया अब सावजन अपने मास्टर के बारे में फर्स्ट सुकैन के मुंह से ऐसी बात को सुनकर खामोश हो जाता है क्योंकि अभी के लिए उसे समझ में आ गया था कि ये पील टावर कोई ऐसी वैसी फैक्शन नहीं है इस पील टावर में दाव की कॉन्टिनें के टॉप के एल्केमि मौजूद होते हैं और कोई भी वही फैक्शन इस पील टावर से पंगा लेने से पहले हजार बार सोचती है अब इसके साथ ही हंसते हुए से कहती है कि साव आपको फिकरमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दरअसल बात यह है की आप में जरा सा भी एबिलिटी साउजेंड बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने की तो इससे पील टावर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही आपसे वो कोई भी दुश्मनी लेंगे क्यूँकी थ्री थाउजेंड बर्निंग फ्लेम माना पील टावर ही डिस्कवर की थी

का सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन इसके साथ ही फर्स्ट सुन से कहता है की पील मैंने इसके बारे में सुना है यह बहुत ही बड़ा ग्रैंड अफेयर होता है की कॉन्टिनेंट हर तीस साल बाद और पूरे दाऊ की कॉन्टिनेंट से से बहुत सारे से साथ है इस पील में और जो भी इस कम्पिटिशन को जीतता है वो पूरे दुनिया में माना जाता है और मुझे याद है सवजन तुम्हारे टीचर यावला ने भी इस पील केदरिंग कॉम्पिटिशन में चैंपियन स्पोर्ट को हासिल किया था और तब के टाइम तुम्हारे टीचर यावला की कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर बन गए थे और अब सवियन अपनी टीचर की इतनी बड़ी अचीवमेंट को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे टीचर ने भी इस फील गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो इस कंपटीशन को जीता भी था और अब फर्ट लिये की ये बात को सुनकर सिलेन भी बहुत ही हैरान होती है और वो सोचती है की यार ये सब्जन का टीचर बहुत ही पर्सन है क्यूँकी वो जानती थी सेंट्रल प्लेन में आखिर है क्या चीज और फिर वो सोचती है की यही बात है की सौजन ने इतनी सी एज में इतनी ज्यादा सीमेंट को हासिल कर ली तो मुझे लगता है की ये सिर्फ उसके टीचर की वजह से ही हुआ है अब इसके साथ ही सौजन सिलेन से पूछता है की लालच क्या इस फील गैदरिंग कम्पिटिशन के यही था क्या जिस पर सिलेन में सहिला देती है और वो कहती है कि जब कोई भी उस पिल केदरिंग कंपटीशन में टॉप टेन पर आ जाए तो उसको, 3000 को करने का या उसको अपनी माँ करने का एक मौका जरूरी मिलता है और फिर इस कॉन्फिडेंस है की आप उस पी के पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्योंकि आप उस पिल केदरिंग कम्पिटिशन को जीत कर ही आप उस थ्री बर्निंग फिल्म को हासिल कर पाएंगे और इसके अलावा आपके पास उस थ्री बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का कोई भी दूसरा मेथड नहीं है और अब सिलेन सवन तरफ देख कर सवन से पूछती है की बीबोदर सौ क्या आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी या फिर नहीं जिस पर सवन एक स्माइल के साथ कहता है की हाँ बिल्कुल और अब सौजन की ये बात को सुनकर सिलेन बहुत ही ज्यादा खुश होता थी और अभी के लिए वो दिल से खुश थी और फिर वो हंसते हुए सवियन से कहती है की तो फिर हमारा ये कॉपरेशन हमें मुबारक हो अब इसके साथ ही सवयन भी एक स्माइल कर देता है अब इसके साथ ही सिलेन सवजन से पूछती है की हम यहाँ से कब जा रहे हैं क्यूँकी जे एन अकेडमी से सेंट्रल प्लेन का सफर बहुत ही ज्यादा लंबा है अब सिलेन की ये बात को सुनकर सवियन हंसते हुए कहता है की इतनी भी जल्दी क्या है क्यूँकी हम सेंट्रल प्लेन तो जाएंगे यही तुम ना भी बोलते तो भी हम सेंट्रल प्लेन जाते हैं जिसके साथ ही वहाँ पर अपेयर हो जाती है और वो कहती है की सेंट्रल प्लेन के सफर पर जाने के लिए तैयार तो हो गए हो लेकिन चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा और वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को कौन लाइक करेगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे तब तक के लिए कौन खाए पिएगा और मस्त रहेगा